नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली द्वारा शुक्रवार को बुलाई गई कैबिनेट बैठक में राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी से निचले सदन की बैठक 7 मार्च को बुलाने की सिफारिश की गई है। बैठक प्रधानमंत्री के बालूवाटर स्थित आधिकारिक आवास पर आयोजित की गई थी। बैठक में निचले सदन की बैठक 7 मार्च को बुलाने की सिफारिश करने के अलावा मंत्रालयों से संबंधित अन्य मामले पर भी चर्चा की गई है। ये जानकारी भूमि प्रबंधन, सहकारिता और गरीब उन्मूलन मंत्री सिउमै ने दी है। उल्लेखनीय है कि नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों निचले सदन प्रतिनिधि सभा को बहाल कर सरकार को 13 दिन के भीतर सत्र बुलाने का निर्देश दिया था। इसके साथ देश की शीर्ष अदालत ने उन सभी फैसलों को रद्द करने का भी फैसला दिया है जो ओली सरकार ने 20 दिसंबर को प्रतिनिधि सभा भंग करने के बाद लिए थे। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने मंगलवार को सुनवाई में प्रधानमंत्री केपी ओली के 20 दिसंबर को संसद भंग करने की सिफारिश को असंवैधानिक करार दिया था। इतना ही नहीं, अदालत ने 13 दिनों के भीतर संसद के निचले सदन की बैठक बुलाने के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और सदन के स्पीकर को आदेश जारी किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।